27 ফেব্রুয়ারি 7টা পর্যন্ত রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো ধরনের ওপিনিয়ন পোল এবং এক্সিট পোল করা যাবে না বলে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে কিরণ গিত্তে জানান। के निर्देश के अनुसार हमारे स्टेट में 27 फरवरी 7 बजे तक ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कंडक्ट करना, पब्लिश करना, इसके लिए बंधन है, लिमिटेशन है, कर नहीं सकते। तो मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कंडक्ट करना अथवा पब्लिश करना आप 27 तारीख 7 बजे तक कर नहीं सकते। हमने आज सभी एडिटर करस्पॉन्डेंट के साथ मीटिंग करके हमने कमीशन के इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए हैं। निर्वाचन कमीशन ने घोषित विज्ञापन नीतिर उपरो आलोकपात करें राज्यर प्रधान निर्वाचनी कर्ता। 14 তারিখ 4টার পর রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো ধরনের আলোচনা অথবা চর্চা ও প্রচারিত অথবা প্রকাশিত হতে পারবে না বলে জানিয়েছেন কিরণ গিত্তে। দুসরা চুনাও কে দিন আর চুনাও কে এক দিন পহলে সিফ প্রিন্ট মিডিয়া কো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেনে কা পারমিশন হ্যায়। ইসকে লিয়ে ভি হামারি এমসিএমসি কমিটি কা অপ্রুভাল লেনা পড়েগা। এই পলিটিক্যাল পার্টি ইয়া ক্যান্ডিডেট অপ্রুভাল লেঙ্গে, लेकिन आप जब पब्लिश करेंगे तो आप जरूर ये एमसीएमसी सर्टिफिकेट आप मांगिए। और जो 48 आवर्स 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी चर्चा या प्रोग्राम, कैंपेनिंग अथवा प्रमोशन कोई कैंडिडेट का या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो, ये साइलेंस पीरियड है। ये समय इसलिए दिया जाता है कि कैंपेन होने के बाद वोटर शांत वातावरण में कॉन्शियसली सोचे कि मैं क्या करूं, मैं किसको वोट दूं। ये जो सोचने के लिए जो समय लगता है उसके लिए ये समय दिया जाता है। ये होता है चुनाव खत्म होने का जो टाइम है उसके पहले होता है ये 48 आवर्स। 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा कार्यक्रम आप मत रखिए जिसमें कि प्रचार प्रसार हो सकता है। आप दूसरा कोई डिस्कशन रखिए, इलेक्शन के अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन रखिए, या आप जो है इलेक्शन कैसे हो रहा है न्यूट्रल डिस्कशन रखिए, आप वो प्रोग्राम आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट या पार्टी का प्रमोशन या प्रचार हो रहा है या पुराना रिकॉर्डिंग जो है रैली का, इसका ये भी मत दिखाइए। ये आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। এই পর্যায়কে সাইলেন্স পিরিয়ড বলে উল্লেখ করেন তিনি এবং তিনি জানান ভোটারদের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।